साथियों सुप्रभात। आज मैं आप लोग को टेडी बियर सा पांडा पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज हम आपके प्री टेडी बियर से मिलता जुलता प्राणी पांडा के बारे में बातचीत करेंगे। प्राणी क्या होता है? जीव जंतु जिसमें जान हो। पांडा अपने शरीर पर विशिष्ट काले और सफ़ेद फर पर एकांत प्रिय एवं शांत स्वभाव कारण अलग ही पहचान रखता है। विशिष्ट माने होता है खास, एकांत प्रिय माने जिसे अकेलापन पसंद हो। अंग्रेजी में ज्वाइंट पांडा कहा जाने वाला ये सुस्त सा पांडा बियर हमारी पृथ्वी से विलुप्त होने की कगार पर, अर्थात ये गायब होता जा रहा है। भालू परिवार से संबंध रखने के बावजूद पांडा भालुओं से अन्य प्रजातियों से भिन्न है, भिन्न माने अलग है। वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक ये बहस का मुद्दा रहा है ये दरअसल भालू है ही नहीं। हाल के प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि पांडा वास्तव में भालू ही है। हालांकि पांडा व अन्य प्रकार के भालू बीच काफ़ी अंतर है। जैसा कि पांडा अन्य भालुओं की भांति चिंगार नहीं सकता, अर्थात दहाड़ नहीं सकता है, उस स्थान पर वो गुर्राता है या भौंकता है। पांडा मूल रूप से दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वतों का निवासी है। वहाँ वो बांस के जंगलों में पाया जाता है। बांस पांडा का प्रमुख भोजन है। उसका 95 से 99% भोजन बांस ही है। हाँ, उसे मीठा खाना भी बेहद पसंद होता है। चिड़ियाघरों में उसे गन्ना, गाजर, सेब आदि इसलिए परोसे जाते हैं, परंतु बांस में पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं। पांडा की पाचन शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती, हजम नहीं कर पाता है, अतः इसे लगभग पूरे दिन खाते ही रहना पड़ता है, कम से कम 12 घंटे, और इस दौरान वो लगभग 18 किलोग्राम भोजन खाता है। खाते समय टहनी आदि पकड़ने के लिए पांडा अपनी कलाई में उभरी एक विशेष हड्डी का प्रयोग करता है जो कि उसके अंगूठे का काम करती है। इसके बारे में एक और मज़ेदार बात यह है कि शाकाहारी होने के बावजूद कभी कभी अंडे, कीट पतंगे और यहाँ तक कि चूहे खरगोश आदि भी खा लेता है। एक वयस्क पांडा की ऊंचाई, वयस्क माने जवान पांडा, ऊंचाई कंधे तक 3 फीट हो सकती है, कुल लंबाई 6 फीट तक। नर पांडा का वजन 114 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा कुछ छोटी और कम वजन की होती है। पांडा के बच्चे अपने जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं। इनका वजन मात्र 100 ग्राम होता है और लंबाई मात्र 7 इंच होती है। नवजात पांडा गुलाबी रंग की रोए सहित त्वचा लिए होता है। नवजात माने जो नया नया पैदा हुआ छोटा सा नन्ना सा बच्चा, कुछ दिनों में इसकी त्वचा पर काले सफ़ेद धब्बे उभर आते हैं। इमारती लकड़ी व खेती योग भूमि संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पांडा का प्राकृतिक आवास अर्थात बांस के वन निरंतर काटे जाने के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। वास्तव में पर्याप्त वन स्थल के अभाव में पांडा का जीवन यापन असंभव है। अच्छी खबर यह है कि अनेक लोग पांडा को विलुप्ति की कगार से बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें वो उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 1970 में केवल 1000 पांडा ही वनों में पाए गए थे। इसके बाद 80 के दशक में इसे संकटापन्न प्रजाति घोषित कर दिया गया। पांडा को संरक्षित करने वाले कई कार्यक्रम के मध्य में उनकी संख्या दुगनी की गई और कुल 2016 संख्या के साथ पांडा को संकटापन्न प्रजाति के लेबल से मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर इन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं दी गई तो आज भी इस प्रजाति पर संकट छा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका चलता फिरता टेडी बियर ये दुनिया से सदा के लिए चला जाए? ये लेसन मैंने आपको समझाया था। अब इसके प्रश्न उत्तर कराने थे। देखो, प्रश्न आप लोग किताब से देख के लिखेंगे, उत्तर ब्लैक बोर्ड से लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पांडा का प्रमुख भोजन क्या है? तो पांडा का प्रमुख भोजन मांस। पांडा से दिन में कितने भोजन खाता है? तो इसका दूसरे का आंसर है कि 18 से 20 किलोग्राम तक। प्रश्न नंबर 3, पांडा का प्राकृतिक आवास क्यों काटा जा रहा है? तो क्यों काटा जा रहा है? प्रश्न नंबर 3, खेती योग्य भूमि बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 1970 में पांडा की कुल संख्या कितनी थी? तो उसका है 1000 कुल संख्या थी। उसके बाद ये दूसरी प्रश्न है कि नर पांडा व मादा पांडा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर बेटा हमने लिखा हुआ है कि नर पांडा का वजन 114 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा पांडा कुछ छोटी और कम वजन की होती है। प्रश्न नंबर 2, पांडा को संकटापन्न प्रजाति क्यों घोषित किया गया है?
क्योंकि ये विलुप्ति की कगार पे है, अर्थात गायब होने वाली है, उनकी संख्या कम होती आ रही है। भालू और पांडा में अंतर स्पष्ट करो, तो पांडा का रंग काला सफ़ेद होता है और भालू का रंग काला होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा कि पांडा की कोई चार विशेषताएं लिखो, तो इसके शरीर पर विशिष्ट काले और सफ़ेद फर होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता होती है ये एकांत प्रिय होते हैं। तीसरा, ये शांत स्वभाव के होते हैं। चौथा, ये बहुत सुस्त होते हैं। ये इसके बाद पठित गद्यांश प्रश्न, सही उत्तर पर आइए निशान लगाओ। पांडा अन्य भालुओं की भांति चिंगार नहीं सकता। दूसरे का है, पांडा की पाचन शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती, तो दूसरे का आंसर पाचन शक्ति है। तीसरा है, खाते समय टहनी आदि पकड़ने के लिए पांडा अपनी कलाई में भरी एक विशेष हड्डी का प्रयोग करता है। उसके बाद हाथ नहीं में उत्तर दीजिए। एक वयस्क पांडा की ऊंचाई उसके कंधे तक 6 फीट तक हो सकती है, तो उत्तर है हाँ। फिर इसका उत्तर होना चाहिए हाँ। तुम यहाँ लिखेंगे हाँ। इसके बाद दूसरा है बच्चों, पांडा के बच्चे अपने जन्म के समय बहुत लंबे होते हैं, उत्तर है नहीं। पांडा का प्राकृतिक घर बांस के वन है, हाँ। लोग पांडा को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसका भी उत्तर है हाँ। और इसके बाद पेज नंबर 30 में जो है पढ़िए और समझिए, प्रजाति प्रजातियाँ, उसी तरह आपको इसका बहुवचन बनाना है। फिर नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द को, खेत खेत माने अफसोस, भोजन भोजन माने आहार खाद्य, और प्रयोग माने इस्तेमाल, आवश्यकता माने होता है जरूरी। और पेज नंबर 31 पर दिए गए शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करो, तो इसको आप अपने आप करेंगे। लगभग लगभग सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। प्रजाति, भारत में अनेक प्रजातियां हैं। अभाव, हमें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।